नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अद्भुत ज्ञान गंगा पर। चलिए शुरू करते हैं आज का प्रसंग। स्त्री में वह शक्ति है, वह क्षमता है कि अगर वह चाहे तो घर को स्वर्ग बना दे और चाहे तो नरक बना दे। स्त्री अगर अपने कर्तव्यों को अच्छे से पूरा करेगी तो उसका सम्मान बढ़ेगा। स्त्री को दायित्वों का निर्वहन करते हुए कर्तव्यों को पूरा कर अनुशासन में रहना चाहिए। किसी भी पुरुष को ऊंचाइयों तक पहुंचाने में किसी न किसी महिला का हाथ जरूर होता है। हजारों शिक्षकों से ज्यादा एक माँ ही ऐसी होती है जो बच्चे की परवरिश कर उसे अच्छे संस्कार देती है। इसलिए नारी को सभी जगह पूजा जाता है। भगवान को जन्म देने वाली भी एक महिला ही है, इसलिए महिलाओं का सम्मान हमेशा होना चाहिए। इस कहानी में बताए गए लक्षणों वाली स्त्रियों से घर घर ही नहीं बल्कि स्वर्ग बन जाता है। इसलिए जिन स्त्रियों में यह लक्षण होते हैं वह स्त्रियां लक्ष्मी का रूप मानी जाती हैं। इस कहानी में हम यही बात करेंगे कि स्त्रियों में वे कौन कौन से लक्षण होते हैं जो घर को स्वर्ग या नरक बना देते हैं। प्राचीन समय की बात है, एक नगर में एक बहुत ही बुद्धिमान, गुणवान और बड़े प्रतापी राजा राज्य करते थे। उनकी दो रानियां थी। एक दिन जब वह राजा अपने घोड़े पर सवार होकर शिकार के लिए जंगल की ओर जा रहा था तो रास्ते में एक और नगर आया। वह जैसे ही उस नगर में प्रवेश करता है तभी उस राजा को एक बगीचे में एक सुंदर स्त्री बैठी हुई दिखाई देती है। जैसे ही राजा की नजर उस स्त्री पर पड़ती है तो वह राजा के मन को भा जाती है और उसके मन में उस स्त्री से विवाह करने का विचार आता है। अपने घोड़े से उतरकर राजा उस स्त्री के पास जाता है और उससे कहने लगता है कि सुंदरी, तुम कौन हो और कहाँ रहती हो। राजा की बात सुनकर वह स्त्री राजा से कहती है कि पहले आप मुझे यह बताइए कि आप कौन हैं और मुझसे ये सब क्यों पूछ रहे हैं। राजा उस स्त्री से कहता है कि सुंदरी, मैं एक राजा हूँ। मैं तुम्हारे इस तेजस्वी और आकर्षक सुंदर रूप को देखकर तुम पर मोहित हो चुका हूँ और मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। इसके बाद राजा उससे पूछता है कि क्या तुम मेरे इस विवाह के प्रस्ताव को स्वीकार करोगी। वह सुंदर स्त्री उस राजा से कहती है कि हे राजन, मैं तुमसे विवाह तो करूंगी, परंतु उससे पहले इसके लिए आपको मेरे पिताजी से आज्ञा लेनी होगी, क्योंकि मेरे माता पिता ने मुझे जन्म दिया है और उनकी आज्ञा के विरुद्ध जाकर मैं कोई भी ऐसा कार्य नहीं करूंगी जिससे मुझे अपने पूरे जीवन पछताना पड़े। उस स्त्री की बात सुनकर राजा उसकी बात से सहमत हो जाता है। उस स्त्री के पिता उस राज्य के राजा थे। वह राजा उस स्त्री के पिता के पास जाता है। राजा उनसे कहता है कि महाराज, मैं इस राज्य के पास वाले राज्य से ही आया हूँ। मैं उस राज्य का राजा हूँ। मैंने जैसे ही अपने राज्य को पार करके आपके राज्य में प्रवेश किया तो मुझे आपकी यह सुंदर और आकर्षक पुत्री दिखाई दी। आपकी पुत्री को देखकर मैं इससे प्रेम कर बैठा हूँ और मैं आपकी पुत्री से विवाह करना चाहता हूँ। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं आपकी पुत्री को अपने राज्य की रानी बनाना चाहता हूँ। उसके बाद स्त्री का पिता वह राजा बहुत सोच विचार करता है और काफी सोच विचार करने के बाद उस राजा को शादी के लिए इजाजत दे देता है। उसके बाद वह राजा
अपनी पुत्री और उस राजा का विवाह करवा देता है। राजा अपनी सुंदर पत्नी को लेकर अपने राज्य में आता है। उस राजकुमारी से विवाह करके वह बहुत खुश होता है, क्योंकि उसके जैसी सुंदर स्त्री उसके राज्य में और कोई नहीं थी। वह राजा अपनी पत्नी की सुंदरता को देखकर अपने आप को बहुत भाग्यवान समझने लगा। राजा अपनी इस पत्नी पर मोहित थे और वे उस पर अत्यंत विश्वास भी करते थे। राजा पत्नी के मोह में अपने कर्तव्यों को भी भूल गए थे। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। राजा अपनी आकर्षक और सुंदर पत्नी पर मोहित होने के कारण ठीक से अपने राजकाज के कार्यों पर भी ध्यान नहीं दे पाता था। इस तरह धीरे धीरे समय निकलता गया। कुछ वर्ष बीत गए। एक दिन राजा अपने सैनिकों के साथ जंगल में शिकार करने के लिए जाता है। राजा जंगल में एक हिरण का शिकार करने के लिए तीर चलाता है और हिरण को घायल कर देता है। हिरण के शरीर के घाव से खून बहने लगता है, तो वह राजा उस खून को देखकर अपने मन में ही सोचने लगता है कि मैं अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता हूँ, परंतु आज मैं अपनी पत्नी की एक परीक्षा लूंगा और ये देखूंगा कि जितना प्रेम मैं अपनी पत्नी से करता हूँ, क्या उतना ही प्रेम मेरी वह रानी मेरी पत्नी मुझसे करती है। ये सोचकर वह राजा अपने एक सैनिक को बुलाता है और उससे कहता है कि सैनिक, मैं रानी की परीक्षा लेकर ये देखना चाहता हूँ कि रानी मुझसे कितना प्रेम करती है। मैं तुम्हें अपने कपड़े इस हिरण के खून में भिगोकर देता हूँ और तुम इन कपड़ों को लेकर जाओ और जाकर रानी से कहो कि रानी साहिबा, महाराज को एक शेर ने मार दिया है। उसके बाद ये सुनकर अगर रानी इस बात को अस्वीकार कर दे तो तुम उन्हें मेरे द्वारा दिए हुए खून से सने कपड़े उन्हें दिखा देना। राजा की बात सुनकर वह सैनिक बोलता है कि महाराज, मेरा इतना दुस्साहस नहीं है कि मैं जाकर रानी साहिबा से इतना बड़ा झूठ बोल सकूं। सैनिक की ये बात सुनकर राजा सैनिक से कहता है कि पहले तुम मुझे यह बताओ कि तुम राजा की बात मानोगे या फिर रानी की। राजा की बात सुनकर वह सैनिक दुविधा में पड़ जाता है। उसके बाद वह राजा की बात मानकर राजा द्वारा दिए गए कपड़ों को अपने कपड़ों में अपने पीछे छुपाकर रोता हुआ महल की तरफ चला जाता है। सैनिक महल में जाकर रानी से रोते हुए कहता है कि रानी साहिबा, अभी अभी कुछ ही क्षण पहले जब मैं और महाराज जहां से शिकार के लिए गए थे, हम जैसे ही जंगल में पहुंचे तो जंगल में एक शेर ने महाराज पर झपट्टा मार दिया, उन पर आक्रमण कर दिया। इस बीच महाराज जी की मृत्यु हो गई और वह शेर महाराज को मारकर खा गया। सैनिक की ये बात सुनकर रानी को बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं होता। रानी की आंखें क्रोध से लाल पड़ने लगती हैं और वह क्रोधित होकर उस सैनिक से कहती है कि मूर्ख सैनिक, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम अपनी रानी साहिबा से अपने राजा की मृत्यु का इतना बड़ा झूठ बोल रहे हो। अगर मेरे पति जाने इस राज्य के राजा एक शेर के झपट्टे में आकर मर गए तो तुम कैसे बच गए? रानी की यह बात सुनकर वह सैनिक भयभीत होकर कांपने लगा। वह रानी से कहता है कि रानी साहिबा, जिस समय महाराज पर उस शेर ने आक्रमण किया था, उस समय मैंने एक वृक्ष के ऊपर चढ़कर अपने प्राण बचाए थे। किसी तरह से अपने प्राण बचाकर मैं महल तक पहुंचा हूं। इस प्रकार मेरे प्राण बच पाए हैं। ये बातें सुनकर भी
रानी सैनी की बात मानने से इनकार कर देती है और उसके बाद वह सैनिक महाराज के खून से सने कपड़े रानी को दिखा देता है। सैनिक रानी साहिबा से कहता है कि हे रानी साहिबा, अगर आप मेरी बात पर विश्वास नहीं करती हो तो आप स्वयं ही महाराज जी के खून से सने हुए कपड़ों को देख लीजिए। इन कपड़ों को देखकर आपको स्वयं ही विश्वास हो जाएगा। महारानी ने जैसे ही महाराज के खून से सने हुए कपड़े देखे तो उन्हें महाराज के मरने का विश्वास हो गया और उसी क्षण अपने पति के मरने के सदमे में रानी की भी मौत हो गई। उसके बाद दूसरे दिन राजा अपने महल में वापस आता है। आते ही देखता है तो उसे अपनी रानी मरी हुई मिलती है। राजा अपनी पत्नी की मृत्यु होने पर सोचने लगता है कि मेरी पत्नी कितनी अच्छी थी और वह मुझसे कितना प्रेम करती थी। मेरे एक छोटे से झूठ के कारण मेरी पत्नी ने अपनी जान दे दी। धन्य है ऐसी पतिव्रता स्त्री जिसने मेरे एक छोटे से झूठ के लिए अपने प्राण त्याग दिए। उसके बाद वह राजा अपनी पत्नी के बारे में सोच सोच कर खूब फूट फूट कर रोने लगा और राजा रानी की मृत्यु के कारण बहुत दुखी हो जाता है। जब राजा रानी के दुख में रो रहा था तो एक तपस्वी साधु महाराज वहां राजा के दरबार में आते हैं। वह साधु महाराज वहां आकर अपना कमंडल नीचे रखते हैं तो उनके कमंडल नीचे रखते ही वह कमंडल फूट जाता है। वह साधु महाराज राजा से पूछता है कि राजन, तुम क्यों रो रहे हो? उसके बाद राजा उन साधु महाराज से कहते हैं कि महाराज, मैं अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था, परंतु मैं अपनी पत्नी की ये परीक्षा लेना चाहता था कि जितना प्रेम मैं अपनी पत्नी से करता हूँ, क्या उतना ही प्रेम मेरी पत्नी भी मुझसे करती है? और इसके चलते मैंने एक छोटा सा झूठ बोला था और उस झूठ के कारण ही मेरी पत्नी ने अपने आप को मृत्यु का भोग बना लिया। मैं अपनी पत्नी की इस पतिव्रता को देखकर रो रहा हूँ। उसके बाद वह साधु महाराज राजा से कहते हैं कि कोई अपनी पत्नी की मृत्यु पर भी रोता है? क्योंकि पत्नी तो और भी आ जाएगी। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी इसी पत्नी को भी जिंदा कर दूंगा, परंतु इसके लिए मेरी एक शर्त है। राजा ने जैसे ही उस साधु महाराज के मुख से इस बात को सुना कि वह साधु महाराज उसकी पत्नी को जिंदा कर सकते हैं, उसी समय वह राजा साधु महाराज के पैरों में पड़ गया और कहने लगा कि हे महात्मा, आप ही मेरे दाता हो, आप ही मेरे विधाता हो, आप मेरी पत्नी को फिर से जिंदा कर दीजिए, आपका बहुत एहसान होगा। राजा की बात सुनकर साधु महाराज कहते हैं, मैं आपकी पत्नी को जीवित तो कर दूंगा, पर मेरी एक शर्त है, तुम्हें मेरी यह शर्त पूरी करनी होगी, उसके बाद मैं तुम्हारी पत्नी को जिंदा कर दूंगा। जब राजा साधु महाराज से उस शर्त के बारे में पूछता है तो साधु महाराज कहते हैं कि अगर आपके राज्य में कोई भी व्यक्ति मेरे इस कमंडल के जैसा कमंडल बना दे तो मैं तुम्हारी पत्नी को फिर से जिंदा कर दूंगा। साधु महाराज की यह बात सुनकर राजा अपने राज्य के सभी कारीगरों को महल में बुलाता है और उन्हें साधु महाराज के कमंडल के जैसा कमंडल बनाने का आदेश देता है। साथ ही राजा ये घोषणा भी करता है कि जो भी कारीगर साधु महाराज के कमंडल के जैसा कमंडल बनाएगा उसको मैं अपने राज्य का आधा हिस्सेदार बना दूंगा। राजा की यह घोषणा सुनकर सभी कारीगरों ने आधा राज्य पाने के लालच में
सुंदर सुंदर कमंडल बनाए, पर किसी भी कारीगर द्वारा उन साधु महाराज के कमंडल जैसा कमंडल नहीं बना। यह देखकर साधु महाराज महारानी को जिंदा करने के लिए मना कर देते हैं, तो वह राजा साधु महाराज के चरणों में गिर पड़ता है और साधु महाराज से बार बार विनती करते हुए कहता है कि महाराज, हम आपकी ये शर्त तो पूरी नहीं कर पाए, हम इसमें विफल रहे, परंतु आप मेरी पत्नी को फिर से जिंदा कर दीजिए, मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। राजा के बार बार मिन्नते करने पर वह साधु महाराज उस पर दया कर देते हैं और महारानी को फिर से जीवित कर देते हैं। राजा अपनी पत्नी को फिर से जिंदा देखकर बहुत प्रसन्न होता है। वह साधु महाराज एकदम से वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं, तो वह राजा इसे एक चमत्कार मानने लगा। उस दिन के बाद राजा अपनी पत्नी पर कई गुना ज्यादा भरोसा करने लगा और अपनी पत्नी से पहले से भी ज्यादा प्रेम और विश्वास करने लगा। वह राजा अपनी पत्नी के प्रेम में इतना खो गया कि अपने राजकाज का सारा काम छोड़ बैठा और पूरा समय अपनी पत्नी के साथ गुजारने लगा। राजा का एक छोटा भाई था जिसका नाम विक्रम था। राजा के इस तरह के व्यवहार को देखकर राजा का छोटा भाई विक्रम बहुत परेशान रहने लगा। वह राजा को यह भी समझाने लगा कि भैया, आप मेरे बड़े भ्राता हैं और इस राज्य के राजा भी हैं, आपका कर्तव्य इस राज्य की रक्षा करना है, परंतु आप एक स्त्री के मोह में इतना पड़ चुके हैं कि आपको उस स्त्री के अलावा और कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। विक्रम इस तरह की बातें अपने बड़े भाई को बार बार समझाता, परंतु राजा अपनी पत्नी के मोह में इतना खो गया था कि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। एक दिन राजा का छोटा भाई विक्रम अपने अस्तबल में जाता है। वहां पर कुछ घोड़े उसे बहुत कमजोर दिखाई पड़ते हैं। विक्रम उस सैनिक से मिलता है जो उनका ध्यान रखता था और उस सैनिक से कहता है कि इन घोड़ों को ठीक तरह से भोजन भी खिलाते हैं, फिर भी ये सभी घोड़े दिन व दिन कमजोर क्यों होते जा रहे हैं, मैं ये कई दिनों से देख रहा हूँ, परंतु दिन व दिन प्रत्येक घोड़ा कमजोर होता जा रहा है, ऐसा क्यों होते जा रहा है। उसके बाद वह सैनिक राजा के छोटे भाई विक्रम को बताता है कि महाराज, मैं आपको सच ही बता देता हूँ, ये घोड़े दिन ब दिन इसलिए सूखते जा रहे हैं क्योंकि हमारी जो रानी साहिबा है वह रात्रि के 2 बजे इनमें से कोई एक घोड़ा चुनती है और उस घोड़े पर बैठकर ना जाने कहाँ जाती है और सुबह होने पर ब्रह्म मुहूर्त में घोड़े को तेज गति से भगाते हुए लाती हैं, जिसकी वजह से घोड़े आकर सीधा गिर जाते हैं। इस तरह से ये सभी घोड़े धीरे धीरे कमजोर होते जा रहे हैं। राजा का छोटा भाई विक्रम सैनिक से ये बात सुनता है तो वह आश्चर्यचकित रह जाता है कि आखिर मेरी भाभी इतनी रात को कहाँ जाती है। ये बात सोच सोच कर वह बहुत परेशान होने लगा। उसके बाद विक्रम उस सैनिक से कहता है कि आज रात्रि के समय तुम जहां पर मत रहना, आज रात्रि में तुम्हारी जगह घोड़ों के पास मैं रहूंगा, घोड़ों की रखवाली मैं करूंगा, आज मैं देखता हूं कि आखिर मेरी भाभी कहाँ जाती है और क्यों जाती है। उसके बाद राजा के छोटे भाई विक्रम ने उस सैनिक को वहां से जाने का आदेश दे दिया और स्वयं उन घोड़ों की देखभाल करने लगा। जैसे ही रात्रि के 2 बजते हैं तो राजा का छोटा भाई विक्रम देखता है कि उसके बड़े भाई की पत्नी आती और उन घोड़ों में से
एक फुर्तीला घोड़ा ढूंढकर उसके ऊपर बैठती हैं और जैसे ही जाने लगती हैं, विक्रम उसके घोड़े के सामने आ जाता है और अपनी भाभी को जाने से रोक लेता है। तो रानी विक्रम से कहती है कि देवर जी, आप मेरे रास्ते के बीच में क्यों आए हो? भाभी की बात सुनकर विक्रम उनकी किसी भी बात का कोई जवाब नहीं देता और उनसे सीधा एक ही सवाल पूछता है कि पहले आप मुझे यह बताइए कि आप इतनी रात को किससे मिलने जा रही हो? विक्रम की यह बात सुनकर रानी हड़बड़ा जाती है। घबराहट के मारे उसे पसीना आने लगता है, फिर भी वह विक्रम को कुछ नहीं बताती। रानी की चुप्पी देखकर विक्रम समझ जाता है कि यह कहीं ना कहीं तो किसी से मिलने जा रही हैं। ये मेरे भाई और इस राज्य के राजा को धोखा दे रही हैं। विक्रम को देखकर रानी घोड़े से उतर जाती है और अपने महल में वापस जाकर सो जाती है। परंतु जैसे ही वह सुबह जल्दी उठती है तो वह रानी सोचने लगती है कि आज मेरे देवर जी ने मुझे जाते हुए पकड़ा है और वह मुझ पर शक भी कर रहे हैं। जैसे ही सुबह होगी तो मेरे देवर विक्रम अपने बड़े भाई जानी मेरे पति को सारी बातें बता देगा। वह उन्हें सारी बातें बताए तो क्यों ना उससे पहले मैं कुछ ऐसा करूं जिससे विक्रम की किसी भी बात का मेरे पति पर कोई भी असर ना पड़े। उसे यही ठीक लगता है और उसके बाद वह रानी अपने क्रिया चरित्र को दिखाने लगती है। राजा के उठने से कुछ समय पहले रानी अपने बालों को खोल लेती है, वह अपने कपड़ों को भी फाड़ लेती है और अपने कक्ष में जमीन पर लेट जाती है। जैसे ही राजा नींद से उठकर खड़ा होता है तो देखता है कि रानी जोर जोर से रो रही है। राजा रानी से कहता है कि हे प्रिय, आखिर तुम नीचे क्यों पड़ी हो और तुम क्यों रो रही हो? तुम्हारे इन कपड़ों को किसने फाड़ा है? तब रानी चालाकी के साथ आंसू बहाते हुए अपनी बात राजा से कहती है कि मैं तुम्हें क्या बताऊं, तुम्हारे भ्राता, तुम्हारे छोटे भाई विक्रम ने आज मेरी इज्जत पर हाथ डाला है, मुझ जैसी पतिव्रता स्त्री पर अपनी गंदी निगाह डाली है। एक छोटे से झूठ के कारण उस रानी ने राजा के लिए अपनी जान भी दे दी थी, इसलिए राजा अपनी उस रानी पर पूर्ण विश्वास करता था। इसलिए राजा को उसकी कही हुई बातों पर विश्वास भी हो जाता है। राजा जैसे ही इस बात को सुनता है तो वह अपने छोटे भाई विक्रम को बुलाता है और उसे जोर जोर से डांटने लगता है, उसे इसकी सजा देने की बात भी करता है। फिर राजा सोचता है कि यह मेरा छोटा भाई है, इसलिए इसे मृत्यु दंड देना तो अच्छा नहीं रहेगा। राजा अपने छोटे भाई विक्रम को कहता है कि विक्रम, तुमने आज अपनी मां समान भाभी के साथ बहुत गलत किया है, इसलिए मैं तुम्हें ये सजा देता हूं कि आज से तुम इस राज्य से दूर चले जाओ। अपने जीवन में कभी भी तुम इस राज्य में वापस लौटकर मत आना। विक्रम जब अपने बड़े भाई के मुंह से ये आदेश सुनता है तो वह उनके आदेश का पालन करता है और वह वहां से दूर चला जाता है। परंतु जाते जाते विक्रम अपने बड़े भाई से कहता है कि मैं जहां से जा तो रहा हूं, लेकिन जाने से पहले मैं आपसे एक बात कहता हूं कि तुम अपनी जिस पतिव्रता पत्नी पर इतना मोह दिखा रहे हो, इससे बचकर रहना। इतना कहकर विक्रम उस राज्य को छोड़कर चला जाता है। उसके जाने के बाद रानी बहुत खुश हो जाती है, अब उसे किसी प्रकार का भय नहीं था। उस रात फिर से रानी उस पुरुष से मिलने के लिए जाती है जिस पुरुष से मिलने वह पहले जाया करती थी।
उसे मिलने पर वह उस पुरुष से कहती है कि तुम अब इस जंगल में रोजाना मत आया करो और मैं भी रोजाना तुम्हारे पास इस जंगल में मिलने के लिए नहीं आऊंगी। हम एक काम कर सकते हैं, तुम ऐसा करो कि कल सुबह राजमहल में आओ। राजमहल के अंदर आकर तुम मेरे पति जानी महाराज से महल में नौकरी के लिए आवेदन करना और उसके बाद तुम महल में ही रहना। जब तुम महल में रहोगे तो हमारी रोजाना ही मुलाकात होगी। उस पुरुष से ये कहकर रानी वापस महल में आ जाती है और फिर जैसे ही सुबह होती है तो रानी का वह प्रेमी महल में आता है। राजमहल में आकर राजा से निवेदन करने लगता है कि हे राजन, मैं पास के राज्य के एक नगर से आया हूँ और मेरे घर में एक बूढ़ी माँ है। वह बहुत बीमार है और मुझे कहीं कुछ काम नहीं मिल रहा है। आप मेरी मदद कर देते तो मेरे घर का गुजारा भी चल जाता, मैं अपनी बूढ़ी माँ का ठीक से ख्याल रख पाता। वह रानी भी वहीं बैठी बैठी उसकी बातें सुन रही होती है। उसकी बातें सुनकर मन ही मन बहुत प्रसन्न होने लगती है। उसके बाद राजा उसकी इस स्थिति को देखकर उस व्यक्ति को अपने महल में काम करने का आदेश दे देता है। रानी के उस प्रेमी का नाम अश्वसेन था। वह अश्वसेन राजा का आदेश पाकर महल में काम करने लग जाता है। जैसे ही रानी राजा से नजर छुपाकर कुछ पल के लिए दूर होती तो रानी अपने उस प्रेमी अश्वसेन से मिल लेती और इस तरह से काफी समय तक चलता रहा। रानी अपने पति की आंखों में धूल झोंक रही थी और राजा को इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं था, क्योंकि राजा अपनी पतिव्रता पत्नी से बहुत प्रेम करता था, उसे बहुत ही पवित्र माना करता था। राजा को ये पता नहीं था कि जिसको वह इतना प्रेम करता है वह उसी की आंखों में धूल झोंक रही है। उसके बाद एक दिन राजा फिर शिकार करने के लिए जंगल में जाता है। जैसे ही राजा जंगल में प्रवेश करता है तो राजा को जंगल में वही संत महात्मा दिखाई देते हैं जिन्होंने रानी को जिंदा किया था। संत महात्मा को देखकर राजा उनके पास जाते हैं और उन्हें प्रणाम करके आशीर्वाद लेने लगते हैं तो वह महात्मा राजा के मुख की तरफ देखते हुए कहते हैं कि हे राजन, मैं तुम्हारे इस तेजस्वी चेहरे को देखकर, तुम्हारे इस आकर्षक मुख को देखकर बहुत ही परेशान हूँ और तुम बहुत ही भोले स्वभाव के हो, इसलिए लोग तुम्हें बेवकूफ बनाते हैं। राजा द्वारा उचित आदर सत्कार के कारण तपस्वी गुरु अति प्रसन्न थे। प्रसन्न होकर साधु महाराज ने राजा को एक अमर फल दिया और कहा कि तुम इस फल को ग्रहण करो, इस फल को खाने से तुम सदैव जवान बने रहोगे, कभी तुम्हें बुढ़ापा नहीं आएगा, तुम्हारी सुंदरता सदैव बनी रहेगी और तुम्हारी मृत्यु कभी नहीं होगी। राजा उस फल को संत महात्मा से ले तो लेते हैं। ये चमत्कारी फल देकर साधु महाराज वहां से चले गए। फल लेकर वह राजा सोचने लगते हैं कि अमर होकर मैं करूंगा क्या, मुझे जवानी और सुंदरता की क्या आवश्यकता है। चूंकि राजा अपनी पत्नी पर अत्यधिक मोहित थे अतः उन्होंने सोचा कि मेरी पत्नी मुझसे बहुत प्रेम करती है, क्योंकि मेरी पत्नी ने मेरे एक बार झूठ बोलने पर मेरे लिए अपनी जान दे दी थी, इसलिए इस फल को मुझे अपनी पत्नी को खिलाना चाहिए, मेरी पत्नी को ही अमर होना चाहिए। यदि वह इस फल को खा लेगी तो वह सदैव सुंदर और जवान बनी रहेगी। उसके बाद वह राजा संत महात्मा द्वारा दिए गए फल को महल में आकर
अपनी पत्नी को दे देते हैं और उनसे कहते हैं कि रानी, तुम इस फल को खाओ। ये फल अगर तुम खा लोगी तो तुम हमेशा के लिए अमर हो जाओगी, तुम्हारी मृत्यु भी कभी नहीं होगी। ये कहकर राजा उस फल को रानी को दे देता है और वहां से चला जाता है। राजा से उस फल को लेकर रानी सोचती है कि इस चमत्कारी फल को खाकर मैं क्या करूंगी, मैं अमर होकर क्या करूंगी, क्योंकि मैं तो अपनी जान से ज्यादा प्रेम मैं अपने प्रेमी अश्वसेन से करती हूँ, इसलिए इस फल को मेरे प्रेमी अश्वसेन को ही खाना चाहिए और उसे ही अमर होना चाहिए। उसके बाद रानी उस फल को अपने प्रेमी अश्वसेन को दे देती है। जैसे ही अश्वसेन उस चमत्कारी फल को अपने हाथ में लेता है तो अश्वसेन सोचने लगता है कि आखिर मैं अमर होकर क्या करूंगा, मुझे इस फल को नहीं खाना चाहिए। और अश्वसेन उस चमत्कारी फल को एक वैश्या को दे देता है, क्योंकि अश्वसेन उस वैश्या से बहुत प्रेम करता था। वह सोचता है कि मुझे इस फल को अपनी प्रेमिका उस वैश्या को देना चाहिए जिसे मैं बहुत प्यार करता हूँ। उसके बाद अश्वसेन वह फल उस वैश्या को देने के लिए चला जाता है और जाकर उसे कहता है कि तुम इस फल को खा लेना, क्योंकि ये बहुत चमत्कारी फल है, इस फल को खाते ही तुम हमेशा के लिए अमर हो जाओगी, तुम्हारी मृत्यु कभी नहीं होगी। ये कहकर अश्वसेन अपनी प्रेमिका को वह फल दे देता है और वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद वह वैश्या उस चमत्कारी फल को देखकर सोचने लगती है कि आखिर इस फल को खाकर मैं क्या करूंगी, क्योंकि अमर होकर मैं कौन सी सिद्धियां हासिल कर लूंगी, इस फल को मुझे इस राज्य के राजा को देना चाहिए, क्योंकि वह इस राज्य के पालक हैं, सबका ध्यान रखते हैं, राजा हमेशा जवान रहेंगे तो लंबे समय तक प्रजा को सभी सुख सुविधाएं देते रहेंगे। इस फल की सबसे ज्यादा जरूरत हमारे राजा को है, इसलिए इस चमत्कारी फल के सही हकदार वे ही हैं। उस वैश्या को ये बात पता नहीं थी कि यह फल एक संत महात्मा ने उस राजा को ही दिया था और राजा ने उस फल को अपनी पत्नी रानी को दिया था। उसके बाद उस फल को रानी ने अपने प्रेमी अश्वसेन को दिया था और अश्वसेन ने उस फल को अपनी प्रेमिका उस वैश्या को दे दिया था। उस फल को देखकर वैश्या यही सोच रही थी कि इस फल को मुझे अपने राजा को देना चाहिए। वह वैश्या चमत्कारी फल को लेकर राजमहल में पहुंच जाती है और राजा के पास जाकर राजा से कहती है कि हे राजन, मैं आज इस दरबार में एक बहुत ही अद्भुत और चमत्कारी चीज लेकर आई हूँ। राजा ने उससे पूछा कि ऐसी कौन सी चीज है, तो वह वैश्या कहने लगती है कि महाराज, मैं आज एक ऐसा फल लेकर आई हूँ जो फल बहुत ही चमत्कारी है। इस फल को खाने के बाद मनुष्य कभी बूढ़ा नहीं होता और ना ही कभी उसकी मृत्यु होती है, वह अमर हो जाता है। उसकी बातें सुनकर राजा सोच में पड़ जाते हैं और ये सोचते हैं कि ऐसा ही एक फल तो उन्हें संत महात्मा ने दिया था। और जैसे ही वह वैश्या राजा को उस फल को देती है, राजा वह फल देखकर हतप्रभ रह गए। फल को देखकर राजा समझ जाता है कि ये फल तो वही है जो मुझे संत महात्मा ने दिया था और मैंने अपनी रानी को दिया था। उसके बाद राजा उस वैश्या से पूछता है कि आखिर तुम्हें ये फल किसने दिया, तो वह वैश्या राजा से डर कर कहती है कि महाराज, ये फल मुझे मेरे प्रेमी अश्वसेन ने दिया था जो आपके दरबार में काम करता है।
उसके बाद राजा अश्वसेन को दरबार में बुलाते हैं और उन्हें गुस्से से पूछते हैं कि ये फल तुम्हें कहाँ से प्राप्त हुआ। तो अश्वसेन महाराज के गुस्से को देखकर डर जाता है और महाराज से कहता है कि महाराज, अगर आप बुरा ना मानो तो ये फल मुझे आपकी ही पत्नी ने दिया है। अश्वसेन से जवाब सुनकर राजा हड़बड़ा जाता है और बहुत परेशान हो जाता है और ये सोचकर चिंतित होने लगता है कि मैं अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था, उस पर बहुत विश्वास करता था। उसके बाद वह अपनी पत्नी को दरबार में बुलाता है और अपनी पत्नी से कहता है कि प्रिय, मैंने तुम्हें ये फल दिया था, परंतु ये फल इस अश्वसेन के पास कैसे आया? राजा की बात सुनकर रानी भी घबरा जाती है, वह राजा के पैरों में गिर जाती है। रानी राजा से कह देती है कि महाराज, ये सत्य है कि मैं इस अश्वसेन से प्रेम करती हूँ। आपके छोटे भाई विक्रम ने आपसे जो भी कहा था वह भी सच था। रात्रि के 2 बजे मैं इसी अश्वसेन से मिलने के लिए जाती थी। ये सारी बातें सुनकर राजा बहुत पश्चाताप करने लगता है। उसके बाद राजा सैनिकों को बुलाकर अपने छोटे भाई विक्रम को ढूंढने का आदेश देता है और विक्रम को बुलाकर अपने गले लगाकर कहता है कि मेरे भाई, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है, इस भूल का मैं किस तरह से प्रायश्चित करूंगा। राजा अपनी पत्नी को, उसके प्रेमी अश्वसेन को और उस वैश्या को कारागार में डाल देता है। पत्नी के धोखे से राजा के मन में वैराग्य जाग गया और वे अपना संपूर्ण राज्य विक्रम को सौंपकर एक गुफा में आ गए। राजा ने उस गुफा में वर्षों तक तपस्या की। इसलिए कहा जाता है कि स्त्री चाहे तो अपने घर को स्वर्ग बना दे और स्त्री चाहे तो अपने घर को नरक बना दे। इसलिए कहा जाता है कि जिस घर में गुणवान स्त्रियां होती हैं वह घर को स्वर्ग बना देती हैं। ऐसी स्त्रियों में ये गुण होते हैं, पहली वह होती हैं जो अपने पति का और सास ससुर का सम्मान करती हो। कहा जाता है वह स्त्री जो अपने पति का नाम लेकर नहीं बुलाती हो, अपने सास ससुर का सम्मान करती हो, वह स्त्री अपने घर को स्वर्ग बना देती है। वह स्त्री जो पतिव्रता होती है वही सच्ची अर्धांगिनी होती है। जो स्त्री अपने पति से झूठ नहीं बोलती हो वह अपने घर को स्वर्ग बना देती है। जो अपने घर की बात को दूसरों को नहीं बताती हो वह स्त्री घर को स्वर्ग बना देती है। वह स्त्री जो अपने घर में जूठे बर्तन नहीं छोड़ती हो, घर में साफ सफाई का पूरा ख्याल रखती हो, वह अपने घर को स्वर्ग बना देती है। वह स्त्री जो अपने घर में एकता बनाकर रहती हो वह घर को स्वर्ग बना देती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद।